नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट सिक्स। मैं हूं आपके साथ अली मतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी ने साल 2024 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इंटर एग्जाम 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 के बीच आयोजित होंगी। वहीं इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगी। मैट्रिक की परीक्षा की अगर बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी और इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा 18 से 20 जनवरी के बीच होगी। इसके अलावा साल में 2 बार एसटीईटी की भी परीक्षा होगी। पहली एसटीईटी की परीक्षा 1 मार्च से 20 मार्च के बीच होगी तो दूसरी एसटीईटी की परीक्षा 10 सितंबर से 30 सितंबर 2024 के बीच होगी। इसके साथ ही डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 मार्च से 12 मार्च के बीच होगी। बीएसएसटीईटी का आयोजन 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच होगा। इसके अलावा समिति की ओर से ली जाने वाली अन्य परीक्षा के आयोजन की तिथि भी जारी की गई है। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर के मुताबिक परीक्षा की तारीख पहले घोषित तो होने से लाखों विद्यार्थियों को काफी समय मिल जाता है और पहले से जानकारी रहने पर परीक्षा की तैयारी अच्छे से की जा सकती है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शासी निकाय की बैठक में राज्य के विभिन्न माध्यमिक संबद्धता वाले 439 शिक्षण संस्थानों को निलंबित किया गया है। 7 उच्च माध्यमिक संस्थान की संबद्धता को भी निलंबित कर दिया गया है। ये ऐसे शिक्षण संस्थान है जिन्होंने निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया था। वार्षिक कैलेंडर के प्रकाशन के संबंध में गत वर्ष ही यह निर्णय लिया गया था कि 10 दिसंबर के पूर्व आगामी वर्ष का वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों विद्यार्थियों को काफ़ी पहले से यह जानकारी रहती है इन परीक्षाओं का आयोजन किस तिथि को किया जाना है और इस आलोक में वे अपने संबंधित विषयों की और परीक्षाओं की तैयारी ससमय पूरी लगन और मनोयोग के साथ कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिसका आयोजन आज किया गया, आज 439 राज्य के विभिन्न माध्यमिक संबद्धता वाले संस्थानों की संबद्धता को निलंबित किया गया है। 439 माध्यमिक संबद्धता वाले शिक्षण संस्थानों की संबद्धता को भी आज निलंबित किया गया है।